वेलकम टू सजीर बाइक गुरु में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है, थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया है जो वीडियो किस टॉपिक का है। जी हाँ, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, बाइक में हम लोग लगाएंगे जीपीएस ट्रैकर। क्यों? जीपीएस ट्रैकर जो होता है हम लोग का बहुत ही काम का चीज होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए आज आप लोगों को दिखाऊंगा जीपीएस ट्रैकर हम लोग बाइक में इंस्टॉल कैसे करें। तो हमारे पास एक्चुअली VS6 पल्सर बाइक आया हुआ है, उसी बाइक में हम लोग यानी कि जीपीएस ट्रैकर फिटिंग करेंगे और वीडियो की जरिए से आप लोगों को शेयर करूंगा जो आप लोग किस तरह से फिटिंग करें, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहा है लेकिन ये नहीं बता रहा है कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा और क्या क्या हम लोग को स्टेप करना है। सारे के सारे चीज़ इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं जीपीएस ट्रैकर लगाने में हम लोग को क्या फायदा है। आपको बताते हैं जो जीपीएस ट्रैकर लगाने में हम लोग का यही फायदा है, अगर बाइक आपने कहीं पर रखा है और आप किसी शॉपिंग करने गए हो और आपके मोबाइल में जो एप्स है इंस्टॉल करा हुआ है, अगर कोई चोर आपके बाइक को मास्टर चाबी लगा के ऑन कर लेता है और बाइक को यानी कि लेके चल जाता है तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा और उसी दौरान आप लोग ऐप्स खोलने के बाद उसमें एक ऑप्शन दिया गया है, अगर उस बटन को आप लोग दबा देते हैं तो वो बाइक उसी जगह बंद हो जाएगा और कभी भी स्टार्ट नहीं लेगा। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह से आप लोग फिटिंग करें। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में देख रहा है एक हम लोग का रिले है, रिले की माध्यम से हम लोग जो बोल्ट है बोल्ट हम लोग लेंगे और ये हम लोग का डिवाइस है, इसी डिवाइस के अंदर हम लोग का यानी कि ट्रैकर सिस्टम है और बाइक को हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं इसी डिवाइस के माध्यम से। अब इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा चार वायर, एक पीला कलर की, एक ऑरेंज कलर की, एक ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की, और इस रिले में आप लोग एक पीला कलर की, दो हरा कलर की और एक वाइट कलर की। तो चलिए कहाँ का हम लोग अटैच करें चलिए आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो बजाज पल्सर VS6 बाइक है इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को डिटेल्स के साथ एक्चुअली शेयर कर। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली आप लोगों को कनेक्शन के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को मदद हो जाए। ये जो हम लोग का कपलर है इसमें आप लोग को चार वायर देखने को मिलेगा। तो सबका काम क्या है, एक हमने लगाया है ब्लैक कलर की जो वायर है इसको लगाया बॉडी के साथ, आप लोग कहीं भी अटैच कर सकते हैं ग्राउंड देने के लिए, तो मैंने यहाँ लगा दिया है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। और रेड कलर की जो वायर है, अच्छी तरह से समझाता हूँ, देखिए वायरिंग का जो हम लोग का इग्निशन स्विच है इसमें हम लोग का दो वायर है, तो मैंने यहाँ से कटा है, ठीक है, यहाँ से कटा है इस वायर को ताकि हमको यहाँ सीरीज लाइन बनाना है। कैसे? एक हम लोग का इनपुट वोल्टेज होता है जो इग्निशन ऑफ करने में भी जो हम लोग का 12 वोल्ट आना चाहिए, जो वाइट कलर की वायर है, हर कोई बजाज कंपनी का बाइक जो होता है वाइट कलर की जो वायर है इसमें 12 वोल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, इग्निशन ऑफ करो या ऑन करो, अभी ऑफ है इसमें 12 वोल्ट मिलेगा। अब हमने कैसे कैसे कनेक्शन किया देखिए, इसका जो आप लोगों को रेड कलर की वायर है एक हमने इसका साथ अटैच किया इसका साथ, और एक रिले का जो हम लोग का वाइट कलर की वायर है वो भी हम लोग का इग्निशन स्विच में जो हम लोग का वाइट कलर की वायर है इसका साथ अटैच किया, और रिले में एक हम लोग का जो हरा कलर की वायर है इसको भी हमने अटैच किया, यानी कि तीन वायर को अटैच किया। देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, एक जो हम लोग का डिवाइस से आता है रेड कलर, इसको भी हमने चाबी का जो स्विच है इग्निशन जो डायरेक्ट हम लोग का वोल्टेज आएगा वायरिंग से इसके साथ हमने अटैच किया रेड कलर को, और रिले में जो हम लोग का वाइट कलर की वायर है इसको भी हमने अटैच किया है इग्निशन स्विच की जो हम लोग का 12 वोल्ट आएगा उसके साथ, और यहाँ जो आप लोग को देखने को मिल रहा है हरा कलर की वायर ये भी हमने अटैच किया, यानी कि तीन वायर यहाँ हमने अटैच किया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें एक हम लोग का जो येलो कलर की वायर है, जो पीला भी बोल सकते हैं येलो भी बोल सकता है, इसको हमने सिंगल रखा, और इस कपलर में आप लोग को देखने को मिलेगा एक पीला कलर की वायर येलो कलर की वायर, तो हमने यहाँ इसको अटैच किया है, ठीक है। अब यहाँ का काम हम लोग का ख़त्म, अब बाकी रहा जो इग्निशन ऑन करने में हम लोग का यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा और पूरे बाइक में और भी काफ़ी सारी जगह पर वोल्टेज जाएगा, लेकिन ये जो वोल्टेज है हर कोई जगह में जाया हुआ है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑरेंज कलर की वायर इस डिवाइस के अंदर जो अटैच किया गया है इसको आप लोग को यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने जैसे कि पीला कलर को पीला में इसमें रिले में लगा दिया है,
रेड कलर की जो वायर है, इग्निशन स्विच का जो इनपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट यहाँ लगा दिया है। ऑरेंज कलर की जो वायर है आउटपुट जो इग्निशन ऑन करने के बाद जो 12 वोल्ट जाएगा उसमें लगा दिया है, और एक बॉडी अर्थिंग दे दिया है। अब हम लोग का जो डिवाइस है इसका काम हम लोग का बन गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब टेप बाद में करता हूँ अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाने के लिए। एक आदमी पकड़ के रखो इसको। अब गाइस डिवाइस दीजिए। अब फ्रेंड्स इसी डिवाइस को हम लोग इसके अंदर अटैच करेंगे। तो चलिए हमने इसके अंदर अटैच कर लिया है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक वायर कहाँ वायर दीजिए। तो अब फ्रेंड्स हम लोग यानी कि चेकअप करेंगे जो हम लोग का मीटर कंट्रोल में जो वोल्टेज है वो कट हो रहा है कि नहीं। अभी ऑन करेंगे मीटर कंट्रोल में हम लोग का पूरे के पूरे लाइट आ चुकी है। अब इसको कट पूरे बाइक का जो कट कौन करेगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो पीला कलर की वायर जो रहा इसको आप लोग को एक यहाँ अटैच करना है, और एक बॉडी के साथ हम लोग टच करेंगे और पूरा लाइन जो है हम लोग का डिसकनेक्ट हो जाएगा और बाइक रुक जाएगा, नहीं चलेगा। देखो पूरा लाइन जो है हम लोग का बंद हो चुकी है, ठीक है, पूरा लाइन जो है हम लोग का बंद हो चुकी है। तो यहाँ हम लोग का काम डिवाइस कर रहा है। अब मैं छोड़ रहा हूँ, अब पूरे बाइक में लाइन आ रहा है, यानी कि हम लोग का डिवाइस का काम ख़त्म। तो डिवाइस इसी तरह से फीडिंग करते हैं। तो चलो ये सब फीडिंग करने के बाद आप लोगों से मोबाइल के पास जाता हूँ और आप लोगों को एक्चुअली डिटेल्स के साथ समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स बाकी का प्रोसेस मैंने कर दिया। एक यहाँ आप लोग जो बुक्स में यहाँ आप लोगों को पासवर्ड और यूज़र नेम आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी जगह पे आप लोग यानी कि आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि सर्वर 2 पासवर्ड यूज़र नेम इसी जगह जो मैं हाथ दे के रखा हूँ यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आसानी से आप लोग यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप लोग ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड मोबाइल पर। तो चलो हमने डाउनलोड कर लिया है, अब आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली जो हमारा जो ऐप्स है ये ऐप्स हम लोग को ओपन हो गया है। अब यहाँ सारे के सारे आप लोग को डिटेल्स काफ़ी सारे आप लोग को मिल जाएगा, इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो आप लोग को लाइव डाटा दिखाता हूँ, एक्चुअली बाइक को स्टार्ट करके चलाएंगे और हम लोग चेकअप करेंगे यहीं से बाइक कितना दूर गया है वही हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स एक्चुअली मैंने डिवाइस को फिट किया करने के बाद कंपनी को, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप किया करने के बाद वो आईडी मांग रहा था, क्यों उसमें एक हम लोग का सिम कार्ड दिया गया है। अब वो जो सिम कार्ड है उसको एक्टिवेट करेगा तभी उसके नाम में यानी कि सिम जो ओपन होगा उसके बाद ही यानी कि वो डिवाइस चालू होगा। तो वो वीडियो आप लोगों को दिखा नहीं पाया, वो आप लोग भी कर सकते हैं, यानी कि ये सब फिटिंग करने के बाद आप लोग को एक्चुअली व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को संपर्क करना है और वहाँ आप लोगों को आईडी देना है, जो भी आईडी आप लोग सिम कार्ड के लिए मोबाइल में देते हो वो आईडी आपको देना है, और यानी कि आप लोगों को बताएगा जो क्या कैसे आप लोग यानी कि उसको इंस्टॉल करें और एक सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करें और उसके बाद आप लोग कैसे उसे यानी कि चलाएं। तो फ्रेंड्स अब आप लोग को बताता हूँ एक्चुअली इसमें हम लोग को लगाने के बाद फैसिलिटी क्या हम लोग को मिल रहा है, क्या फ़ायदा मिल रहा है जीपीएस ट्रैकर लगाने में हम लोग का क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो काफ़ी सारे आप लोग को फ़ायदा मिल रहा है, यानी कि कोई भी अगर बाइक को आप लोग को चोरी करता है यानी कि काफ़ी सारे मास्टर चाबी लगा के अगर ओपन भी कर लेते हैं सेल्फ स्टार्ट भी हो जाता है और आपको अगर पता चल जाता है जो आपका बाइक कोई आदमी लेके जा रहा है किसी रास्ते पे है, तो आप लोग आप मोबाइल खोल के ऐप्स खोल के उसे एक लॉक बटन दिया गया इसको अगर प्रेस करेंगे ना तो बाइक उसी जगह पर बंद हो जाएगा और आपको दिखाएगा जो लोकेशन कहाँ पर है वहाँ से जाके आप अपने बाइक को ले आ सकते हैं और यानी कि आप लोग जांच कर सकते हैं, इससे आप लोगों का बाइक का जो चोरी होने का भय होता है वो डाउट दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो जो है यहाँ से हम समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिले रहिए। मच ऑल द बेस्ट।